और भिवंडी में ये चाय की, क्योंकि लोग चाय के बहुत शौकीन हैं, अलग अलग चाय लोगों के, अभी इधर कुल्लड़ वाली भी है, दूसरी भी चाय है, सब चाय है। कभी किसकी तकदीर किधर खुल जाएगी मालूम नहीं, क्योंकि हमारे मोदी जी भी है, वो भी चाय बेचते थे। चाय एक नशा बन गया है, लेकिन मैं कहना चाहूँगा ये जहरीले नशे से तो बहुत अच्छा है। और चाय भिवंडी की एक शान है, एक अलग अहमियत दी जाती है चाय को, क्योंकि चाय से दोस्ती बढ़ती है, इज्जत मिलती है हमें, ऐसा। और बहुत अच्छे टाइम में चालू किया कि दामन नायक गणपति जी बैठने वाली है, हजारों लोग यहाँ पे आते, तो जब चाय की चुस्ती लेने आएगी तो मैं समझता कि उनका भी अच्छा सेवा होगा। चाय दोस्ती, उसका इतना प्यारा नाम है चाय दोस्ती, यानी एक दोस्ती की शुरुआत भी चाय से ही होती है। आज भिवंडी शहर जो एक पावरलूम तबके का शहर है, यहाँ पे जगह जगह पे एक से एक चाय की वैरायटी है। तो चाय दोस्ती जो एक ब्रांड है, एक ब्रांड ही नहीं, इसमें एक मोहब्बत की मिठास भी है। हमारी चाय में खुसूसन, मतलब ख़ास करके एक चीज़ ये है कि इसमें किसी तरह का केमिकल और कोई ऐसी बाहरी चीज़ का इस्तेमाल नहीं होता है। यहाँ पे जो भी अपनी गांवटी चाय बनती है, जो ख़ास करके गरीब तबके के लोग, अपने मजदूर लोग हैं, हमारे दोस्त यार बिरादर जो पसंद करते हैं, वैसी चाय बनती है। ये तस्वीर भिवंडी के धामनकर नाके की है, जहां आपको बता दें कि दोस्ती चाय के आज दूसरे फ्रेंचाइजी का उद्घाटन बड़े ही धूमधाम से संपन्न हुआ। इस उद्घाटन समारोह में विशेष तौर पर आपको बता दें कि भिवंडी पश्चिम के विधायक महेश चौगले और भारतीय जनता पार्टी के भिवंडी शहर पूर्व विधानसभा के अध्यक्ष संतोष शेट्टी के हाथों रिबिन काटा गया। वहीं तस्वीर में आप देख सकते हैं कि इस दोस्ती चाय के उद्योजक सोहेब रजा और अकील शेख को बधाई देने के लिए भिवंडी शहर के कई बड़े नेता और समाज सेवक मौजूद थे, जिसमें आप देख सकते हैं कि भिवंडी शहर के पूर्व महापौर इमरान वली मोहम्मद खान, पूर्व नगर सेवक वसीम अंसारी, भारतीय जनता पार्टी के भिवंडी शहर युवा मोर्चा के अध्यक्ष परेश चौगले उर्फ राजू, एनसीपी के भिवंडी शहर उपाध्यक्ष जुबैर अंसारी, नागरिक बैंक के चेयरमैन मक्की पटेल, समाज सेवक इब्राहिम शेख, फरहान सिद्दीकी और भारतीय जनता पार्टी के महाराष्ट्र प्रदेश मताड़े कामगार के उपाध्यक्ष लकी सिद्दीकी, समाज सेवक साहिद कुरैशी उर्फ मेंडा, साकिब मोमिन, वाहिद शेख, रयान मोमिन, अफान मुल्ला, जमीर आसमी, जईम बनारसी, मुजाहिद शेख उर्फ मूसा, फात खान, जुबैर मेमन के साथ गोविंद माडेवार, तकफीन आजमी उर्फ भुट्टू, खुर्शीद आलम उर्फ लल्लू, अन्य कई मान्यवर उपस्थित थे। सभी लोगों ने दोस्ती चाय के जो प्रोप्राइटर हैं, यानी कि उद्योजक सोहेब रजा और अकील शेख का फूलों की गुलदस्ता देकर स्वागत किया। विशेष तौर पर सोहेब रजा ने यह भी जानकारी दी कि दोस्ती चाय में किसी प्रकार का केमिकल यूज नहीं किया जाएगा। साथ ही साथ आपको बता दें कि यहाँ पर अन्य कई ऐसे नाश्ते के भी काउंटर चालू किए जाने वाले, उसकी पूरी जानकारी सोहेब रजा ने दी। क्या कहा, आइए सुनते हैं। लोग जो है काफ़ी उत्साहित रहते हैं, देश के प्रधानमंत्री भी चाय बेच कर जो है हर देश का कमान संभाले हुए चाय के। सबसे पहले चाय दोस्ती का एक होटल का आज ओपनिंग हुआ है, तो उसके बारे में मैं सोहेब राजा और अकील भाई, ये दोनों ने मिलके, यानी दोनों की दोस्ती ने मिलके आज ये चाय दोस्ती का होटल खोला है, तो ये दोनों को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। और भिवंडी में ये चाय की, क्योंकि लोग चाय के बहुत शौकीन हैं, अलग अलग चाय लोगों के, अभी इधर कुल्लड़ वाली भी है, दूसरी भी चाय है, सब चाय है, तो चाय के शौकीन होने के बाद हर जगह जाते, तो इसके लिए चाय का ये बहुत ज़्यादा चलता है। और ऐसा कोई धंधा छोटा और बड़ा नहीं, आदमी कभी भी दोस्ती से बड़ा है। अभी ये मेरे सब दोस्त, अभी सोहेब राजा भी मेरा दोस्त है, तो इसके लिए मैं आया हूँ क्या नहीं, सही में कुछ तो धंधा करके एक अच्छा बिजनेस। और ऐसा भी नहीं, कभी किसकी तकदीर किधर खुल जाएगी मालूम नहीं, क्योंकि हमारे मोदी जी भी है, वो भी चाय बेचते थे। ऐसा ऐसा एक सीढ़ी है, वो सीढ़ी चढ़ते चढ़ते आदमी कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा, तो आज पूरे विश्व में उनका नाम हो रहा है। कल ऐसे चाय बनाए और ज़्यादा, ऐसे भिवंडी में अपना नाम हो जाए और जो ये ब्रांचेस है वो आगे भी बढ़े, तो इसके लिए ये दोनों को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। और इधर आया, मैंने चाय की चस्की ली, बहुत अच्छी चाय है, इतना ही लोगों से बोलना चाहता हूँ।
नाम ही इतना बढ़िया है, चाय दोस्ती। और सही में कित गम हो क्या खुशी हो, चाय का ऐसा चीज़ है क्या सस्ते में और एक दोस्ती को भगा रखता है। ऐसे हमारे राजा क्या शोएब राजा जो है, ये भी दोस्ती में सभी लोग बोलते हैं, हमारे आमदार मजे चुगल सब इसकी तारीफ़ करते, लक्की जी तारीफ़ करते क्या दोस्ती बहुत अच्छा निभाते और उन्होंने काम भी अच्छा चालू किया है चाय दोस्ती, और बहुत अच्छे टाइम में चालू किया कि दामन नायक गणपति जी बैठने वाली है, हजारों लोग यहाँ पे आते तो जब चाय की चुस्ती लेने आएंगे तो मेरे सब लगता कि उनका भी अच्छा सेवा होगा। और इन्होंने जो शुरू किया इनके साथ जो भी उनके पार्टनर से सभी को बहुत बहुत शुभेच्छा और भगवान इनको ऐसी बरकत दे। एक दो शायद दूसरा है ना, और चार पांच पूरी भिंडी बने भिंडी के बाहर जाए ऐसे में दुआ करता हूँ। थैंक यू। चाय जो एक नशा बन चुकी है भिवंडी शहर में खासकर, ये देखा जा रहा है महीने में एक आज दोस्ती तो रहती है। आज यहाँ पर भी बड़े ही शानदार तरीके से चाय मतलब चाय दोस्ती आज यहाँ पर फ्रेंचाइजी का ऑपरेट किया गया है। लोगों की जो चाय का एक हम कहते हैं स्वाद जो है भिवंडी शहर में काफ़ी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, उसी को लेकर अलग अलग जो है तरीके का चाय लोगों के बीच में लाया जा रहा है। तो आज यहाँ पर चाय दोस्ती का जो उद्घाटन था उस पर क्या कहना चाहेंगे आप यहाँ पर आए? बहुत अच्छी चीज़ कहा है आपने कि चाय एक नशा बन गया है, लेकिन मैं कहना चाहूँगा ये जहरीले नशे से तो बहुत अच्छा है। और चाय भिवंडी की एक शान है, एक अलग अहमियत दी जाती है चाय को, क्योंकि चाय से दोस्ती बढ़ती है, इज्जत मिलती है हमें ऐसा लगता है। और हमारे दोस्त शोएब और अखिल इन दोनों ने पहल की है इस बिजनेस में आने की, और ज़्यादा से ज़्यादा दिल जीते गए लोगों को चाय पिला के, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि चाय को हम खुद मानते हैं कि वो एक अलग किस्म की इज्जत है, किसी ने हमें चाय पूछा तो हम उनको कभी मना नहीं करते। मैं खुद दिन में कम से कम 15 चाय पी लेता हूँ और मेरी बहुत फेवरेट चीज़ है। तो मैं सबको मुबारकबाद देना चाहूँगा और शोएब भाई अखिल भाई इनको आपके भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। वार्ड में ही आज हम कहते हैं कि चाय दोस्ती का जो यहाँ पर एक केंद्र का ओपन किया गया है, क्या कहना चाहिए? देखा गया है कि जो चाय दोस्ती का जो ऑपरेटर है शोएब भाई, वो आपके काफ़ी करीबी मित्र भी हैं, क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे? जैसे कि दामन कर नाके पे अपना शोएब भाई और अखिल भाई ने जो होटल चालू की चाय दोस्ती, उसका इतना प्यारा नाम है चाय दोस्ती, यानी एक दोस्ती की शुरुआत भी चाय से ही होती है। आज भिवंडी शहर जो एक पावरलूम तबके का शहर है, यहाँ पे जगह जगह पे एक से एक चाय की वैरायटी है। तो चाय दोस्ती जो एक ब्रांड है, एक ब्रांड ही नहीं, इसमें एक मोहब्बत की मिठास भी है जो एक दोस्तों को खींच के लाती है, और एक दोस्ती की मिसाल यहाँ से मिलती है। चाय पे चर्चा भी होती है। और मैं दोनों भाइयों को जो एक दोस्त के नाते एक बिजनेस भी शुरू किए हैं, अकील और शोएब दोनों को अपनी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, और मेरे मोहल्ले और भिवंडी की तरफ से इनको मुबारकबाद देता हूँ। आज चाय दोस्ती यहाँ पर उद्घाटन किया गया है, बड़े ही धूमधाम से किया गया। शहर के कई समाज सेवकों के साथ में कई बड़े चेहरे भी यहाँ पर दिखाई दिए, शोएब भाई और उनके जो मित्र अखिल भाई, उनके माध्यम से क्या मुबारकबाद दी? इस हफ्ते पहले तो मेरे अजीज दोस्त शोएब भाई को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, और उनके पार्टनर को भी। उन्होंने चाय दोस्ती करके एक नाम से ब्रांड से या एक मतलब होटल की ओपनिंग की, और जो चाय है भिवंडी शहर की एक रस्म और रवाज है, क्योंकि ये पावर लूम का शहर है, ये मजदूरों का शहर है। यहाँ मजदूर 12-12 घंटा लूम में ड्यूटी करता था, इसलिए लोगों को चाय पीने की आदत सी लग गई है। हमारे बाप दादा भी पावर लूम की मजदूरी किए, इसलिए हम सब और हर भिवंडी घर के लोगों को चाय पीने की आदत है। आज यहाँ पर उद्घाटन किया गया है, देखा जाए तो चाय तो बहुत सी मिलती है, यहाँ पर क्या ब्रांड? यहाँ पे हमारी चाय में खुसूसन मतलब खास करके एक चीज़ ये है कि इसमें किसी तरह का केमिकल और कोई ऐसी बाहरी चीज़ का इस्तेमाल नहीं होता है। यहाँ पे जो भी अपनी गांवटी चाय बनती है, जो खास करके गरीब तबके के लोग, अपने मजदूर लोग हैं, हमारे दोस्त यार बिरादर जो पसंद करते हैं, वैसी चाय बनती है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि आज हमारी ये ओपनिंग में, ये हमारी दूसरी ब्रांच है, इसके और एक पहले भी ब्रांच है, तो ये हमारी ओपनिंग में जो लोगों ने मोहब्बत दी है हमको, जो हमारे शहर के लाड़के आमदार महेश चौगले साहब, संतोष सेट्टी साहब हो गए, तला मोमिन हो गए, इमरान वली मोहम्मद खान साहब हो गए, वसीम अंसारी साहब हो गए, हमारे फरहान सिद्दीकी, लक्की, हमारे लगते जिगर, हमारे ख़ास दोस्त इब्राहिम भाई, साकिब दादा, और बाकी कई सारे दोस्तों ने यहाँ पर मौजूद होकर हमारे को दुआओं से नवाजा है, तो उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और इसी तरह
जैसे हमारी चाय आमदार साहब ने पी के उसको बहुत पसंद किया, बाकी हमारे दोस्तों ने, साकिब दादा है, ऐसे ही हम चाहेंगे कि लोग चाय और दोस्ती और मोहब्बत को बढ़ाए इसी तरह। और इसके अंदर हम लोग एक चीज़ और बढ़ा रहे हैं, आज शाम से ही साउथ इंडियन नाश्ता शुरू हो जाएगा और एक से दो दिन में पूड़ी, छोले भटूरे, ये सब हमारा कॉन्सेप्ट है। ऊपर सिटिंग एरिया का काम चालू है, हम लोग चाइनीज़, मुगलाई वगैरह का हर एक तरह का, मतलब कोशिश करेंगे कि हमारे ऐतराब की पब्लिक को कहीं बाहर ना जाना पड़े, सस्ती और अच्छी चीज़ उनको खाने मिले। और सभी का बहुत शुक्रिया, तहे दिल से मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ।